हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSW थ्रेड और BSF थ्रेड में क्या डिफरेंस है। दोनों ही थ्रेड में जो डिफरेंस है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फास्टनर्स पे जो भी थ्रेड्स, जो भी चूड़ियाँ कटी होती हैं, हेलिकल ग्रुप्स बने होते हैं, उनको हम थ्रेड्स कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं फास्टनर्स में। तो उसमें ही जो दो थ्रेड्स होती हैं, BSW और BT स्टैंडर्ड की जो थ्रेड्स होती हैं, BSW और BSF थ्रेड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो BSW जो थ्रेड होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से, BSW जो थ्रेड है उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड। ये जो थ्रेड है, ये सबसे पहले जो यही थ्रेड को बनाया गया था, जिसको जोसेफ विडवर्थ ने इसको इन्वेंट किया था। फर्स्ट जो थ्रेड थी वो यही थ्रेड थी। और इसके अगर हम इसके एंगल की बात करें तो 55 डिग्रीज का एंगल होता है। और यहाँ से देख सकते हैं ये इसकी पिच है, पिच यहाँ से इसकी डेप्थ ऑफ थ्रेड, रेडियस, ये कंप्लीट इसका नोमेनक्लेचर होता है। और जो मेन जो इसमें है, क्या है, BSW जो थ्रेड्स में होती है, हमें TPI मेंशंस की जाती है। TPI जिसको, इसका मतलब होता है थ्रेड पर इंच, यानी एक इंच का जो डिस्टेंस होता है उसमें थ्रेड्स की संख्या कितनी है उसको हम TPI बोलते हैं, थ्रेड पर इंच। और इसमें अगर आपको पिच निकालनी है तो पिच निकालने का जो फार्मूला होता है इसमें 1/TPI होता है। क्योंकि नॉर्मली हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हम मीट्रिक थ्रेड यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी आपको पिच मेंशन की जाती है। बट जो BSW थ्रेड होती है उसमें आपको जो पिच मेंशंस नहीं होती है, उसमें TPI मेंशंस होती है, थ्रेड पर इंच, या फिर इतने जितने भी गेज की थ्रेड्स बनी हुई तो उस तरह से मेंशंस किया जाता है। तो ये अगर आपको पिच निकालनी होगी तो इसमें 1/TPI करते हैं। तो ये है विडवर्थ थ्रेड। जनरली सबसे ज़्यादा जो भी नॉर्मल जो बोल्ट होते हैं उनमें नॉट नट बोल्ट होते हैं, उसमें ये BSW थ्रेड्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज अ BSF थ्रेड, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे जो BSW, जैसे मैंने बताया आपको, विडवर्थ ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड, और जो BSF थ्रेड होती है उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। यानी वो क्या, विडवर्थ कोर्स थ्रेड होती है, ये BSF मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो फाइन थ्रेड की और इसकी कंप्लीट नोमेनक्लेचर की बात करें तो दोनों कंप्लीट सेम रहते हैं, एंगल भी सेम है। और मीट्रिक का, जैसे मीट्रिक का जो एंगल होता है वो अलग होता है, उसमें मीट्रिक में 60 डिग्री, जैसे एंगल 55 है उसमें 60 डिग्री रहता है। लेकिन बट BSW थ्रेड एंड BSF जो थ्रेड है, दोनों में ही एंगल और कंप्लीट नोमेनक्लेचर सेम रहता है। बट सबसे जो मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है इसी पिच का। इस जो थ्रेड है, इस थ्रेड को सबसे पहले जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने 1908 में इंट्रोड्यूस कराया था इस थ्रेड को। और ये थ्रेड्स होती है, इसकी जो पिच, जैसे मैंने बताया, दोनों ही थ्रेड्स में सबसे जो मेन, बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स सेम रहता है, जो मेन डिफरेंस है वो रहता है इसकी पिच का। क्योंकि इसकी जो पिच होती है वो कंपेयर टू BSW थ्रेड कम होती है। मीन्स जो TPI रहेगा, जो TPI होता है थ्रेड पर इंच, एक इंच में थ्रेड की संख्या BSF थ्रेड में ज़्यादा रहती है और BSW जो थ्रेड होती है उसमें कम रहती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है BSW थ्रेड और BSF थ्रेड में। इसके बाद दोनों के यूज़ की बात करें तो BSF जो थ्रेड होती है इसका जो नॉर्मली जनरल पर्पज़ के लिए हम BSW जो थ्रेड है उसको हम नॉर्मल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। और BSF थ्रेड का कुछ स्पेसिफिक जो वर्क्स होते हैं, वर्क है उसमें हम इस ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। स्टील के बोल्ट्स हैं, नट्स हैं, ब्रिटिश मशीनरी इंक्लूड कार, प्रीयर ऑप्शन, इन सभी चीज़ों में ज़्यादातर हम ये BSW एंड BSF थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कंप्लीट चार्ट दिखाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नेट पे आपको मिल जाएगा ये चार्ट्स, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इनको रीड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको दोनों का मेन डिफरेंस दिखाता हूँ, बाकी कंप्लीट चीज़ें सेम रहती हैं बट जो मेन रहता है यहाँ पे, देखिए ये BSW थ्रेड है और ये BSF थ्रेड है। BSW थ्रेड चार्ट है, ये कंप्लीट जो चार्ट है ये BSF थ्रेड चार्ट है, एंड ये जो ये है BS
सॉरी ये BSW का चार्ट है एंड ये BSF का चार्ट है। देखिए चार्ट्स में हमें क्या क्या मेंशन किया है, यहाँ थ्रेड का साइज दिया है, यहाँ थ्रेड पर इंच जिसकी बात कर रहे हैं हम, TPI एक्सटर्नल मेजर डाया, इंटरनल मेजर डाया, ड्रिल साइज क्लियरेंस होल एंड ड्रिल साइज स्टेप्ड होल कंप्लीट हमें यहाँ चार्ट में मेंशन किया है। अगर हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो आप इसको यहाँ से रेफरेंस लेके आप अपने यूज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं हम 1/2, 1/2 मीन्स हाफ इंच। अगर हाफ इंच का बोल्ट है तो उसमें जो मेन जो TPI रहती है, मेन जो डिफरेंस है वो TPI का रहता है, तो जो उसमें जो TPI रहेगी वो देखिए यहाँ पर 12 TPI रहती है BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ जो थ्रेड होती है उसमें। और अगर हम इसकी 1/2 में अगर हम BSF थ्रेड में जाते हैं तो 1/2 में आप देखेंगे यहाँ पर जो 1/2 में जो TPI है थ्रेड पर इंच इसमें 16 है। तो देखिए दोनों में फ़र्क कितना है, 4 TPI हमारे जो है BSF थ्रेड में ज़्यादा है उसमें, यहाँ पर देखिए 1/2 में 12 TPI है और यहाँ पर 1/2 में 16 TPI है। तो ये थ्रेड्स का सबसे मेन जो डिफरेंस है यही दोनों ही थ्रेड में यही होता है कि इसकी जो TPI है वो ज़्यादा होती है और BSW थ्रेड की TPI कम होती है। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं हम 5/16, अगर 5/16 की देखें तो इसमें जो BSF थ्रेड में उसमें 22 TPI होती है और 5/16 में अगर हम BSW में देखें तो 18 TPI होती है। ये मेन डिफरेंस है। 5/16 मीन्स 250 इसको हम बोलते हैं, 250 का बोल्ट या नट है जो भी, तो उसको हम इस तरह से 5/16 इंच या फिर 250 बोल सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। आप इस तरह से इसको चार्ट से इसका कंप्लीट इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा दोनों ही थ्रेड में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसकी जो TPI है TPI का ही डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो सेम ही रहती है, बस TPI का फ़र्क रहता है उसमें। तो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों ही थ्रेड में। सो गाइस BSW एंड BSF थ्रेड से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।